टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को T20 प्रारूप में टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त किया जा चुका है। वहीं रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भी हार्दिक ही कप्तान की भूमिका निभाएंगे। मगर अब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि वनडे विश्व कप 2023 के बाद हार्दिक पांड्या को 50 ओवर फॉर्मेट में भी टीम का नियमित कप्तान बना देना चाहिए। 73 साल के सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स के एक कार्यक्रम में कहा, T20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या ने पहले गुजरात टाइटंस और फिर भारत के लिए जिस तरह कप्तानी की, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मेरा मानना है कि अगर हार्दिक मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच जीत जाते हैं तो 2023 वनडे विश्व कप खत्म होने के बाद आप भारत के नियमित कप्तान के तौर पर उसके नाम पर मुहर लगा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। वे आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करते हैं। उनकी कप्तानी का तरीका भी उन्हें दूसरे खिलाड़ियों के बीच पसंदीदा बनाता है। आपने देखा होगा कि कप्तान के तौर पर हार्दिक टीम के दूसरे खिलाड़ियों को कैसे सहज रखते हैं। गौरतलब है कि हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का खिताब अपने नाम किया। इस दौरान खास बात ये रही कि गुजरात टाइटंस की टीम का यह महज पहला IPL सीजन ही था। वैसे आपका क्या ओपिनियन है, क्या हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी संभाल पाएंगे कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना।